गैस जलाई, पहले एक भगोने में पानी रख दिया गर्म होने, और नमक डाल देंगे और थोड़ा सा हल्दी। ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े पीस काट लेंगे, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं। ये पानी खौलने लगा है, ये पानी अच्छे से खौलने लगा है, इसमें गोभी कटी हुई डाल देंगे और एक बॉयल आने तक इसको हम खौलाएंगे। एक बॉयल आने के बाद गैस बंद कर देंगे। अब ये देखिए अच्छे से खौल गया है एकदम। अब हम इसका गैस बंद कर देते हैं। सबसे पहले मैं हम लोग एक बार जार लेंगे मिक्सर का, और उसमें मैं डालूंगी पीसने के लिए लहसुन है 4-5-8-6-7 कलियाँ, आधा इंच जो है अदरक का टुकड़ा, और 2 लाल मिर्च। मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डालिए, और एक बड़ी प्याज है उसमें से आधी हमने काट ली है। और एक टमाटर है मीडियम साइज का, वो भी हमने ले लिया है। और ये है खसखस, और सिंग दाना, और जो है खरबूजे के भी है, ये सब इसमें हम डाल देंगे पीसने के लिए। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लहसुन प्याज टमाटर सब साथ पीसेंगे तो नहीं भुजेगा, बहुत अच्छा उसके तैयार होता है, मसाला बहुत अच्छे से पीस जाता है। और अब हम इसको ढक के रख देते हैं और दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, और जो है आगे का प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले गैस खोलिए, और एक कढ़ाई रख देंगे कढ़ाई गर्म होने के लिए। और हमारी जैसे ही कढ़ाई गर्म होगी हम उसमें डालेंगे तेल। मैं यूज़ कर रही हूँ सरसों का तेल। आप जो भी खाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, पर कुछ सब्जियां सरसों के तेल में ही अच्छी लगती हैं। इसको अच्छे से गर्म हो जाने देंगे, फिर हम इसमें अच्छे से, जब तेल गर्म हो जाएगा फिर इसकी आंच हम स्लो कर देंगे। अभी हाई फ्लेम पे हमने रखा है, और जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो ये जो हमने गोभी गर्म पानी में हल्दी नमक डाल के यूज़ किया है उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। और इसको हम हाई फ्लेम पे ही करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लाल हमको करना है, हाई फ्लेम पे इसीलिए हम रखे हैं क्योंकि आधी तो पक गई है, 60% जितनी तो पक गई है, ये डंठल ही बाकी रहती है, वरना ये फूल वाले हिस्से तो हो ही जाते हैं। तेज आँच पे इसको हम कर रहे हैं, और इसलिए हम चला चला भी करेंगे। इसको पलट देंगे साइड ताकि सब तरफ से ऐसा लाल लाल हो जाए, इधर नहीं हुआ है। इससे क्या होता है, हम इस तरह कच्ची को भी हम तेल में भून सकते हैं, पर वो थोड़ी सी चिमड़ जैसी सूखी सूखी हो जाती है,
इसे बॉईल करके करें ना तो अच्छा रहता है। बस ये ध्यान देना होता है कि ओवर कुक ना हो। आपको पास से दिखाते हैं, ऐसा हो जाना चाहिए। और अब हमारी ये गोभी हो गई है, इसको हम निकाल लेते हैं। हाँ, बंद कर दूँगी, गैस बंद कर दूँगी और इसको निकाल लेते हैं। और इसी कढ़ाई को हम यूज़ करेंगे। और इसी कढ़ाई में बना लेंगे। थोड़ा सा तेल और डाल देते हैं। और हमारा तेल जैसे ही गर्म होगा इसमें हम और भी चीज़ें डालेंगे। और आपने कभी ये सब्ज़ी नहीं खाई होगी, एकदम अलग ही टाइप की बनी हुई है, एकदम रिच। कभी कोई मेहमान आ जाए या कोई पार्टी हो या कोई खास हमें बनाना हो तो ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है, ज़रूर बनाइएगा। ये हमने लौंग और एक मरीच और दाल, वो इलायची होती है ना बड़ी वाली इलायची, वो इलायची ली है, तेज पत्ता, लाल मिर्च, खड़ी लाल मिर्च है, उसको दो हिस्सों में डाल देंगे। थोड़ा सा जीरा और यहाँ पे आँच हम एकदम बंद कर देंगे। हमारा ज़्यादा हो जाए तो आँच कम कर दें या बंद कर दें, पर क्योंकि सरसों का तेल हाई फ्लेम में करना होता है। और ये हमारा हो गया है। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं छोटी छोटी कटी हुई प्याज। हमने एक बड़ी प्याज ली थी, उसमें से आधा पीस लिया है और आधे से थोड़ा सा कम ही जो है इस बघार में डाला है। एक प्याज लिया, उसका हिस्सा कर लिया आधा, आधा हमने पीस लिया, आधा यहाँ पे डाल दिया है। और इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको हम लाल से डार्क कलर रखेंगे, एकदम जलाना नहीं है पर लाल रहेगा। और ये देखिए कितने अच्छे से लाल हो गई है। मैं इसको पास से दिखाऊं, ऐसी प्याज हमें चाहिए। अब ये हमारा हो गया है। यहाँ पे जो हमने मसाले भूज के रखे हैं, पीस के जो रखे हैं, टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है, लाल मिर्च है सूखी, और खसखस है, खजूर की बिया है और मूंगफली है। इन सब चीज़ों को हमने और अब इसको अच्छे से हम भूजेंगे। और हाँ, जो हमने पीसा था उसका पानी निकला था वो भी यहाँ पे डाल देंगे। और अभी थोड़ा भूजने के बाद इसमें हम मसालों का यूज़ करेंगे। इसको अभी भी थोड़ा सा और भूजेंगे, फिर मसालों का यूज़ करेंगे। अब यहीं पे हम थोड़ा सा आधा से भी कम टमाटर रखें वो भी डाल देंगे। और अब हम मसाले भी इसमें डालेंगे और इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे, जैसे धनिया पाउडर एक बड़ी चम्मच भर के डालेंगे, हल्दी, रेड चिल्ली पाउडर। हमने मिर्ची पीसने में भी यूज़ की है इसलिए ध्यान देके यूज़ करना है अपने स्वाद अनुसार। यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे क्योंकि हम बाद में भी यूज़ करेंगे।
और इनको डाल के हम अच्छे से भूज लेते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा आखिर तक, एक एक स्टेप इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये शाही गोभी बना रहे हैं हम, इसमें आप बहुत ही रिचनेस है। और जो अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें, प्रेस करें, ताकि हमारी न्यू रेसिपी आप तक पहुंचे। और इसको हम अच्छे से भूजना है, मसाला तो बहुत ही अच्छे से भूजने का, जब तक ये तेल ना छोड़े तब तक इसको भूजते रहना चाहिए। जब साइड से तेल छोड़ने लगे ना तब उसमें हम आगे बस कर, वरना जब तक भूजा नहीं रहता है तो सब्जी अच्छी नहीं बनती है। सारा कुछ मसाले पे ही डिपेंड करता है आपकी सब्जी कितनी अच्छी है। मसाला अच्छे से भूजा रहेगा सब्जी अच्छी बनेगी। हो चला है थोड़ा थोड़ा, अभी भी हम 2-3 मिनट और इसको भूजेंगे। और हमने थोड़ी सी दही ली है 2 चम्मच जितनी, इसको भी यहाँ पे डाल के अच्छे से हम चलाएंगे। ताकि दही फटने ना पाए ये, इसको भी हम अच्छे से इन मसालों के साथ भूज लेंगे इसे। और दही डालने के बाद कंटिन्यू भूजने का, छोड़ने का नहीं थोड़ी देर तक। अच्छे से इसको हम भूज लेते हैं और चलाते रहने का दही डालने के बाद, वरना फटने का डर रहता है। यहाँ पे अभी तक हमने नमक का यूज़ नहीं किया है। नमक हमने जो है जब गोभी उबाले थे तब हमने डाला था, उसमें हल्दी और नमक पानी में डाल के बॉयल किया था। बॉयल क्या क्या था, 50-60% जितना उबाल लिए उसको, बॉयल कर लिए। और इसकी खासियत है देखिए, साइड से अब छोड़ना शुरू कर देता है, एक साइड एक जगह होने लगते हैं मसाले जब अच्छे से भुज जाते हैं। या दही हमारी अच्छे से देखिए सब भुज गए हैं और सब एक जगह होने लगे, और धीरे धीरे अब ये तेल छोड़ना शुरू कर देंगे। और इस जगह पे अब हम डालेंगे, यहाँ पे अब हम डालेंगे पानी। पानी जितना आपको रखना है ग्रेवी उस हिसाब से, या हम 1 गिलास पानी यूज़ करेंगे। ये देखिए सारे मसाले एक जगह हो गए। ये इसकी पहचान है, मसाला हमारा हो गया। ये देखिए कैसे लगे थे पहले पूरी कढ़ाई में, अब ये सब एक जगह हो गए। अब यहाँ पे हम आँच एकदम लो कर देंगे और यहाँ पे धीरे धीरे पानी डालेंगे। ये हमारा बड़ी 1 गिलास है, समझिए 2 कप से ऊपर पानी है, 2 कप और आया था कप जितना, या 2 कप समझिए। यहाँ पे हमने 2 कप पानी का यूज़ किया है। और यहाँ पे अब आँच हम तेज कर देंगे, जब ये खोलने लगेगा तब हम इसमें आगे का करेंगे। अच्छे से सारे तरफ से निकाल लेते हैं सारे मसाले। और ये जब खोलने के लिए छींटा उड़ेगा तो हम इसको ढक के पकाएंगे। और
यहाँ पे इसको हम ढक देंगे और कम से कम 2-3 मिनट इसको खोलने देते हैं। इसको खोल के देखते हैं, ये हमारा खोल गया है। अब यहाँ पे जो हमने ये जो गोभी है ना, हमने इसको फ्राई करके रखी है, उसको इसमें हम डाल देंगे। इसको हम बहुत धीरे धीरे से ऐसे इस हम लेके चीज़ बदल लिए स्पैचुला, इससे ऐसे धीरे धीरे हम इसके ऊपर मसाले सब तरफ करेंगे। गोभी क्या है, बॉईल किए हैं, फिर उसको हमने तेल में भूजा है, इसलिए ये नरम हो गई है। अब इनको हम ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा को नहीं चलाएंगे, कोशिश करेंगे ऐसे ऐसे इनके ऊपर मसाले हम डालते चलें। अब मसाले के साथ इनको हम 5 मिनट तक पका लेंगे। अभी हम नमक यहाँ पे डालेंगे, नमक ध्यान रख रहे हैं, हमने गोभी उबालते समय डाला है, इसलिए स्वाद अनुसार ही चेक करके ही डालना है। इनको हम धीरे धीरे और धीरे हाथों से इसको हम चलाएंगे ताकि ये गोभी टूटे नहीं। जहाँ लगे कि मसाला नहीं, वहाँ ऐसे उठा उठा के हम डाल देंगे और इसको हम अभी खोलने देंगे 5 मिनट जितना। और ये अच्छे से खोलने लगेगा, फिर आगे का इसमें और भी चीज़ें पड़ेंगी, इसको खोल के चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से डालेंगे, बहुत चुटकी में, और इसको हम इसी तरह बिना मिक्स किए ही ऐसे रख के रख देंगे। और हमने ली है फ्रेश मलाई, एकदम ही फ्रेश है, आज का ही दूध का एकदम गर्म फ्रेश मलाई ली है। इसको अच्छे से फेंट लेंगे, अच्छे से फेंट लीजिए और मलाई तैयार हो जाएगी। 5 मिनट हो गया, इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें, अब इसके ऊपर गैस बंद कर देंगे, हमारी सब्ज़ी हो गई है। अब इसके ऊपर से हम मलाई डाल देंगे। ये देखिए एकदम रेडी। ज़रूर बनाइएगा, कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा कैसा लगे। अच्छा लगे तो लाइक करिए, डिसलाइक करिए पर ज़रूर देखिए और करिए। थैंक यू।